बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। देखो ना, बर्थडे गिफ्ट है मेरा। तो एक दिन पहले मैंने साबूदाना बनाया था जो थोड़ा सा बच गया था, तो आज मॉर्निंग में मुझे लगा कि मैं इसकी टिक्की बना देती हूँ ताकि ये वेस्ट ना हो। तो मैंने थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटोज और ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड करके मैंने टिक्की बना दी थी। यही आज ब्रेकफास्ट में सुरेश ने भी खाया था और इसी को ही मैंने अथर्व को टिफ़िन में दे दिया था। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब हम अथर्व को स्कूल से लेकर आए तो आते हुए ही हम एक गिफ्ट शॉप में भी गए थे, क्योंकि हम लोग को जाना था इस वीकेंड पे एक बर्थडे पार्टी में। तो गिफ्ट शॉप पे जाके तो ना बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, उनको ये ध्यान नहीं रहता कि हमें किसी और के लिए गिफ्ट लेना है, उनको बस खुद ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बहुत सुंदर गिफ्ट शॉप थी, काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे, तो यहाँ से हमने गिफ्ट लिया और उसके बाद फिर हम लोग घर आए थे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मोमिशियस। तो आज है फ्राइडे और आज की जो वीडियो है मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं है। जनरली मैं वीडियोस में अपना जो डेली रूटीन है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट क्योंकि आज फ्राइडे है थोड़ा बहुत लेजी डे है, क्योंकि कल और परसों दो दिन सैटरडे संडे अथर्व की हॉलीडे होती है, तो थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स हो जाता है। और इस वीकेंड पे एक्चुअली हम लोग को एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है और मेरा भी बर्थडे आ रहा है, तो मुझे लगा क्यों नहीं आज का दिन जो है वो थोड़ा बहुत पैम्परिंग कर ली जाए, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ हुआ नहीं है, स्किन भी बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई टाइप की हो गई है। मेरे पास जनरली जो एक फेशियल किट है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, तो मुझे लगा आज मैं कुछ होम फेशियल ही कुछ ट्राई कर लेती हूँ। तो कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो मैं आज करने वाली हूँ अपनी स्किन पे अप्लाई, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ शॉपिंग जो मैंने करी है मिंत्रा से वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप फेशियल करें ना घर पे, तो एक ये इस टाइप के कॉटन पैड्स आपके पास होने चाहिए, इसको ना सही रहता है, फेस क्लीन करने के लिए सही रहता है और पानी भी इसमें आपको बहुत ही कम लगता है। सब कुछ ये मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है, वन बाय वन में करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लिंजिंग करूँगी, तो क्लिंजिंग के लिए मैं यहाँ पर लिया है, यहाँ पर मैंने मलाई ली है, मलाई के साथ मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड किया है और मैं यहाँ पर ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ। बाद ना आपको मसाज करनी है, तो मसाज के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड किया है, और डाइल्यूट करने के लिए ना वाटर भी ले सकते हैं और गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आपको इससे ना बस मसाज करनी है अपने फेस में अच्छे से और आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। बेसन वैसे भी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ग्लो करती है आपकी स्किन ना, और अगर आप इसमें ग्लिसरीन ऐड कर देंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो उसके आप चाहे तो ना इसको इससे स्क्रब भी कर सकते हैं, बट स्क्रब करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उसको सुखाना पड़ता है, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं ड्राई करूं, तो इस वजह से मैं सिंपल मसाज करूंगी। थर्डली मैंने बीट रूट का क्रीम बनाई है, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मैंने ना बीट रूट क्रश करके उसका जो जूस है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जूस ऐड किया है और इसमें ना मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया है। तो आप चाहे तो जो बीट रूट का जो पाउडर आता है ना रेडीमेड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर फ्रेश बीट रूट है घर में तो ऑब्वियसली उसी का ही जूस आप इसमें लें, क्योंकि उससे ना फेस आप में आपको बिल्कुल रेडनेस आ जाएगी, बहुत ही अच्छा लगता है फेस ना, बीट रूट बहुत ही अच्छा होता है। वैसे भी इट इज़ रिच इन विटामिन सी जो आपके फेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बॉडी खाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ। फेस पैक
यूज करूँ, फेस पैक लगा रही हूँ, तो ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है जो कि बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप सभी को पता है, तो आप भी ये घर पे बना सकते हैं। इसको लगा के 15 to 20 minutes ड्राई करना होगा मुझको, और उसके बाद बस डन। तो मेरा फेशियल हो गया है, और अभी तक ना मैंने इसमें फेस में अपने मतलब कोई भी क्रीम नहीं लगाई है, कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है, और ना ग्लिसरीन की वजह से ना ऑलरेडी फेस जो है ना बिल्कुल मॉइस्चराइज लग रहा है, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कुछ और लगाने की, मुझे लग रहा है बहुत सही लग रहा है। तो अभी ना मुझे भूख लग गई एक्चुअली, आज मैंने लंच प्रॉपर तरीके से नहीं किया क्योंकि क्योंकि ना हम लोग गिफ्ट लेने के लिए चले गए थे, और फिर उसके बाद अर्थू सो गया तो काफ़ी लेट हो गया, तो मैंने ना अपने लिए बस ओट्स खा रही हूँ मैं इस टाइम पे, क्योंकि ना बहुत और टाइम हो जाएगा अगर लंच करूँगी, तो 5 बजने वाले हैं ना। अभी हेयर वॉश करना पड़ेगा, बट मैं सोच रही हूँ कल ही करूँ क्योंकि आज तो कहीं जाना है नहीं। तो मिंत्रा से ना एक्चुअली मैंने 2 t-shirts परचेज करी हैं जो कि बहुत ही मुझे अच्छी लगी है, और जैसा मुझे मतलब दिखी थी ना ऑनलाइन बिल्कुल वैसा ही इसका मटेरियल भी है। प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है टी शर्ट्स के अकॉर्डिंग, जनरली हम जो टी शर्ट्स लेते हैं वो 200 या 300 तक की होती है, बट ये 500 के अराउंड ये टी शर्ट्स हैं, बट ये बहुत ही अच्छी है, और मुझे ना काफ़ी टाइम से मन कर रहा था कुछ इस टाइप की टी शर्ट्स लेने का, इसलिए मैंने परचेज कर लिया। तो एक तो ना ये टी शर्ट है, बेसिकली मैंने अपने बर्थडे के लिए परचेज करी है, मुझे नहीं पता मुझे फंकी सी कलरफुल सी क्यों इतनी अच्छी लग रही थी, बट एक मैंने ये वाली परचेज करी है, और एक और जो मैंने कलरफुल परचेज करी है वो ये वाली परचेज करी है। आजकल ना मुझे टी शर्ट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, टी शर्ट्स और जीन्स का, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ना जब कहीं जाती हूँ मैं, स्पेशली बच्चों के साथ, तो मुझे लगता है कि टी शर्ट और जीन्स में पहन लूँ तो मुझे लगता है कंफर्टेबल ड्रेस है, और बच्चों को भी मैं इजीली कैरी कर सकती हूँ। तो हाँ, ये दो मैंने टी शर्ट परचेज करी थी, और एक और सूट भी मिंत्रा से ही है जो मुझे एक्चुअली गिफ्ट मिला है, ये एडवांस बर्थडे गिफ्ट है मेरा जो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट करा है, बहुत ही सुंदर सूट है ये, फुल सूट है, इसमें दुपट्टा भी इनफैक्ट बहुत ही प्यारा है। तो पहले मैंने सोचा था मैं बर्थडे में ये पहनूंगी, बट अभी थोड़ा सा इसको अल्टर करना होगा, तो लेट्स सी, बर्थडे में अगर नहीं पहन पाई तो गणपति जी आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि उस टाइम पे मैं पहन लूँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी है ना नेक्स्ट मंथ। इस टाइप का इसका दुपट्टा है, बहुत ही प्रिटी है, इसका दुपट्टा भी इनफैक्ट बहुत ही सुंदर है, और बहुत लंबा भी है, तो बहुत ही क्यूट लग रहा है ना ये सूट है। तो आजकल ना गिफ्ट चल रहा है, बस मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, मैं खुद भी काफ़ी सारी परचेजिंग कर रही हूँ, तो ये सभी चल रहा है यार। और आज रात का भी जो डिनर है वो बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं है, बाहर से ही सुरेश को बोलूँगी कि ऑर्डर कर लेना, क्योंकि आज बहुत मतलब सुबह से ही ना मुझे इतना ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा था ना। तो चलिए यार, इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।